बच्चों, सो सब प्रति मिनट गति का डिक्टेशन, यस स्टार्ट। रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। यह लगातार दसवां मौका है जब दरें जस की तस रखी गई। आखिरी बार 27 मई 2020 को पॉलिसी रेट में बदलाव हुआ था, तब ब्याज दरें घटाई गई थी। आरबीआई जिस दर पर बैंकों को उधार देता है उस रेपो रेट को 4% पर बनाए रखा गया है। आरबीआई के पास पैसा जमा करने पर बैंकों को मिलने वाली ब्याज दर यानी रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर रहने दिया गया। अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार आरबीआई रिवर्स रेपो रेट में 0.15 से 0.40% तक बढ़ोतरी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। रिजर्व बैंक के दरों में बदलाव न करने की वजह यह है कि वह इकोनॉमिक रिकवरी को सपोर्ट देना चाहता है। इससे पहले बजट में सरकार ने वित्त वर्ष 2023 में कैपिटल एक्सपेंडिचर में 35% से अधिक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था। केंद्र को ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अभी कंज्यूमर डिमांड कमज़ोर है। इस वजह से निजी क्षेत्र की ओर से बहुत निवेश नहीं हो रहा। सरकार को लगता है कि उसके अधिक पैसा खर्च करने से आर्थिक विकास दर में तेजी होगी, लिहाजा रोजगार बढ़ेगा और लोग अधिक पैसा खर्च करेंगे। इससे डिमांड की दिक्कत दूर हो सकती है। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बदलाव न करके एक तरह से सरकार की इस नीति को समर्थन दिया है। इतना ही नहीं, रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि जब तक ग्रोथ टिकाऊ नहीं हो जाती तब तक वह कर्ज महंगा नहीं करेगा, लेकिन इसमें एक पेच है। देश में महंगाई बढ़ रही है। खुदरा महंगाई दर भले ही रिजर्व बैंक के 6% की अधिकतम सीमा से कम हो, लेकिन थोक महंगाई दर बहुत ऊंची है। इससे खुदरा महंगाई दर आने वाले वक्त में बढ़ेगी। इस बीच कच्चे तेल के दाम में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। यूं तो 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए 3 महीने से अधिक वक्त से देश में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन यह स्थिति चुनाव खत्म होने के बाद बदल सकती है। तब तेल की कीमतों का असर भी महंगाई पर पड़ेगा। उधर अमेरिका में महंगाई दर 7% के करीब पहुंच गई है, जो 80 के दशक की शुरुआत के बाद सबसे ज़्यादा है। इसलिए वहाँ मार्च से ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो सकता है। इसी वजह से भारतीय शेयर बाज़ार से विदेशी संस्थागत निवेशक कुछ महीनों से पैसा निकाल रहे हैं। रिजर्व बैंक को यह पक्का करना होगा कि इससे रुपया कमज़ोर न हो। यह भी देखना होगा कि सस्ती ब्याज दरों की वजह से किसी भी एसेट क्लास में बुलबुला न बने। और सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई बेकाबू न हो, इसलिए क्योंकि वह खास तौर पर गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है।